हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपका काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग यूसी परचेस करते हैं और कभी ना कभी आपका यूसी जो है वो अटक जाता है, आपका बैंक से अमाउंट चल जाता है और आपका रिचार्ज भी नहीं होता, आपको समझ नहीं आता क्या करना है। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको गूगल टीम के साथ बोल सकते हो कनेक्ट करना है और अपना जो यूसी है वो रिफंड करवाना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, सो दैट इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, ठीक है। बट उससे पहले बीजेएमआई के अंदर छोटा मोटा इवेंट आया, उसको मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहला जो इवेंट आया, जैसे कि आप देखो, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, लेट्स गो स्क्वाड नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसका टाइम पीरियड आप देखो, 13 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ये इवेंट चलने वाला है, जिसमें अगर आप डे वन में लॉग इन करोगे तो 5 सिल्वर मिलेगा, डे टू में लॉग इन करोगे तो आपको एजी करेंसी मिलेगा, एजी करेंसी कितना इंपॉर्टेंट आप सबको पता ही है। उसका डे थ्री में लॉग इन करोगे तो वापस आपको 10 सिल्वर मिलेगा, डे फोर में लॉग इन करोगे 300 एजी करेंसी, तो ये बहुत वैल्यूबल होने वाला है। डे फाइव में लॉग इन करोगे तो 4 सिल्वर आपको मिल जाएगा और डे सिक्स में आप देख पा रहे एक हेडगियर मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, ये परमानेंट डे था, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। उसके साथ साथ डे सेवन में आप देख पा रहे ये आपको आउटफिट मिल जाएगा 7 दिन के लिए। ये आउटफिट भी काफ़ी अच्छा परमानेंट था, ज़्यादा अच्छा रहता है, 7 दिन के लिए आपको ये मिलने वाला है। एक छोटा सा इवेंट अब आपको दिखा दिया, उसके बाद अभी एक और इवेंट अभी तक आया नहीं, एक्चुअली उसका टाइम टू स्टार्ट हो चुका है, वो है ग्रोइंग पैक। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे, कहाँ गया, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं एक्सक्लूसिव ट्रेजर में, और आप सबको पता है एक्सक्लूसिव ट्रेजर में हम लोग को दिख जाता है कौन कौन सा इवेंट आने वाला है। तो इधर आप देखो, ग्रोइंग पैक का जो इवेंट है वो आज ही से स्टार्ट होने वाला था सुबह 5:30 बजे, और 20 तारीख को ये इवेंट खत्म होने वाला था, बट आप देख पा रही ये ग्रोइंग पैक इवेंट आया नहीं। वैसे बीजेएमआई का ग्रोइंग पैक आना नहीं आना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आपको पूरा यूसी तो रिटर्न नहीं मिलता, और ये जो यूजी का स्किन है ना वो बहुत ही कॉमन है, इजीली सबको मिला हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और इवेंट कल आप देख पा रही, इसका तो अभी तक इमेज नहीं आया क्या आने वाला है, बट कल एक इवेंट और आने वाला 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये इवेंट होगा। ये 1 वीक का इवेंट हो सकता है, वो फॉर्चून पैक टू आ सकता है, जैसे आपको पता होगा जो सेकेंड मंथ होता है अपडेट का, उसमें यही सब इवेंट आता है, ग्रोइंग पैक, यूसी स्टेशन, फॉर्चून पैक, ये सब का पैक आपको देखने को मिलता है। खैर, इसको साइड में रखते हैं, अगर आ जाता तो मैं कल दिखा दूंगा। तो अभी हम लोग आते हैं यूसी वाला टॉपिक में। तो काफ़ी लोग मुझे 2-3 दिन में कमेंट किया कि मेरा अकाउंट से 100 यूसी 200 यूसी कट हो चुका है अचानक से, मैं कहीं भी स्पेंडिंग नहीं किया हूं। तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं, किस लिए आपका अकाउंट से यूसी कटता है, मैं पूरा डिटेल समझाया हूं, वो वीडियो चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं होप करता हूं वो वीडियो देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्यों आपके अकाउंट से यूसी जो है वो कट हो जाता है ऑटोमेटिकली और आपको पता भी नहीं चलता, आप कहीं भी स्पेंडिंग नहीं करते हो, तो वो वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कहाँ से कटता है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉब्लम, वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग, आपको पता है अभी कोई भी वेबसाइट वेबसाइट अवेलेबल नहीं है यूसी परचेस करने के लिए, तो एप्पल स्टोर एंड बोल सकते प्ले स्टोर, ये दोनों ही स्टोर है गया यूसी परचेस करने के लिए, इसके अलावा कहीं से आपको यूसी नहीं मिलता है, राइट। तो आपको पता है कि एप्पल स्टोर का जो पेमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें अटकने का चांस बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। बट एप्पल स्टोर में अगर कुछ परचेस करोगे वो काफ़ी महंगा होता है, 75 रुपीज़ वाला जो प्लान आप देख पाए एंड्रॉइड का अंदर, वो 89 रुपीज़ में चल जाता है, अकॉर्डिंगली सब प्लान में काफ़ी महंगा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग बोल सकते हो गूगल का यूज़ करते हैं प्ले स्टोर का, प्ले स्टोर का भी उतना ज़्यादा फेलियर रेट नहीं है, बट एप्पल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेमेंट फंस जाता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ स्टेप्स बताऊँगा, सो डैट आप लोग पैनिक ना करो, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग जोड़ जोड़ के पैसा जोड़ते हैं और उसके बाद ही यूसी परचेस करते हैं, तो काफ़ी लोग पैनिक करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहला चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप रिचार्ज किए, आपका अमाउंट कट हो चुका है आपके बैंक अकाउंट में, बट आपका यूसी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स। मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ टाइम हो जाता है, बोलने में तो ईजी है, बट आपको वेट करना थोड़ा सा लगता है कि भाई क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट का खरीद लिया तो आप टेंशन हो जाता है, आपको 2 से 3 दिन तो कंप्लीटली वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद जो प्रोसेस बताऊंगा वो आपका 72 आवर्स के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 3 दिन के अंदर वापस पैसा आ जाता है बैंक के अंदर, मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार मैं 3,000 वाला जो पैक में परचेस किया था वो अटक गया था और अमाउंट कट हो चुका था, एक्चुअली मैं भी टेंशन में आ चुका था क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट है, बट विद इन 24 आवर्स मेरा बैंक में वो अमाउंट आ चुका था। ये पॉपुलर ब्रांड का तो यही तो फायदा होता है कि आपको इसका जो सपोर्ट है ना बहुत ही बोल सकते नेक्स्ट लेवल मिलता है और आपका पेमेंट लगभग 99.9% मिल ही जाता है, ठीक है। तो आपको 72 आवर्स वेट करना होगा, मतलब 3 दिन वेट कर लीजिए, 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए यूसी, आ जाता है मैक्सिमम लोगों का, और उसके बाद अगर नहीं आता, फिर भी नहीं आता, तो मैं आपको कुछ प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, राइट, वो लिंक जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, वही ईमेल आईडी से साइन इन रखना अपना गूगल क्रोम को भी,
और या ब्राउज़र को भी जो प्ले स्टोर में है जिसमें आपने रिचार्ज किया वही गूगल ईमेल आईडी को साइन करके रखना। और जैसे आप वो लिंक में क्लिक करोगे तो आप इधर रिडायरेक्ट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आप देख पर आपका एक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, कहाँ कहाँ आप कितना रुपये इन्वेस्ट के सब आपको दिखाई देगा। लाइक आप देख पा सेप्टेम्बर 10 को मैं 750 रुपीज़ लगाया था, अगेंस्ट इन इम्पैक्ट में 469, तो ऐसे करके आप देख पा रहे अलग अलग अमाउंट कब कब मैं लगा सब कुछ आपको दिख जाएगा, एक डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं 750 वाला, आप देख पा रहे ये प्लान मेरा मतलब मेरा अमाउंट तो कट गया बट यूसी नहीं आया, तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसका एकदम नीचे चल जाएंगे तो इधर आप देख पा रहे कॉन्टैक्ट गूगल LLC। ठीक है, जिसमें आपको क्लिक करके उसके बाद आपको एक्जैक्टली नीचे आ जाना होगा और इधर आप देख पा रहे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ, इसमें आपको क्लिक करना होगा, आपको अपना प्रॉब्लम बताना होगा क्या आपका अमाउंट कट गया है और ऐसे करके नेक्स्ट करना है। और अगर आपका स्क्रीन शॉट होगा, ऑब्वियसली बैंक से पैसा कटता है तो स्क्रीन शॉट होता ही है ना, तो वो स्क्रीन शॉट आपको दे देना है, इवन स्टेटमेंट होगा तो वो दे देना है। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद 24 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था पहला केस जिसमें आपको अपना पेमेंट शो हो रहा है। ठीक है, मतलब इधर दिख रहा है कहाँ का ट्रांजेक्शन कटा है वो दिख रहा है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो देख पा रहे हो ना इसमें भी नहीं आता है, मतलब अमाउंट तो कट गया बट इसमें नहीं आता कि आपका कुछ हुआ है, अमाउंट वन कटा है। तो उस टाइम आपको करना ये है कि आपको सिंपली प्ले स्टोर में आना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका अपने प्रोफाइल में क्लिक करना है, उसके बाद आप देख एकदम एग्जैक्टली नीचे आप देख पा रहे हेल्प एंड फीडबैक में, इस पर आपको क्लिक करना होगा। वापस से आप देख पा कॉन्टैक्ट अस आ चुका है, तो इसमें डायरेक्ट प्रोसेस में बता रहा हूँ, और वापस से आपको इधर आपको लिखना होगा कि आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ है। चलो मैं दिखा देता हूँ, तो इधर आप देखो शॉर्ट समय एक एग्जांपल दिखा रही है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं नहीं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट कर देना है। इधर आप देखो फेल ट्रांजेक्शन क्लिक कर सकते हो, गूगल प्ले ऐप से हुआ है ना, तो इधर आपको गूगल प्ले ऐप क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो आप ईमेल सर्विस लेना चाहते हो या चैट करना चाहते हो या कॉल भी करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसे इंग्लिश अवेलेबल है तो इंग्लिश में ही बात करना होगा, तो इसलिए कॉल अगर इंग्लिश आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता तो डायरेक्टली चैट करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, आवर्स ऑफ ऑपरेटिंग आपको इधर दिख जाए, कितना टाइम आपको दिखाई दे रहा है, कब से कब आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का टाइम आपको दिखाई दे रहा है और इस हिसाब से आप कर सकते हो बातें। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली अपना इशू बता सकते हो, चैट में डायरेक्ट बता सकते हो नहीं तो ऐसे ही बता सकते हो, वो डिपेंड करता है ये इंग्लिश चेंज होगा कि नहीं। इधर आप और दिखाई दे रहा है, ओके इसमें और भी लैंग्वेज है कि देख लेते हैं। हाँ, इधर आप देख पाए हिंदी सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो हिंदी सपोर्ट में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, हिंदी सपोर्ट में आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आप हिंदी में बात कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, बात करो समझाओ क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखाया ना, ये 72 आवर्स खत्म होने के बाद ही आपको करना है, हर बड़ाना नहीं है भाई, आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, 99.9% मिल ही जाता है, वो जो 0.1% तब जाके आप ये चीज़ करना, वो भी 3 दिन के बाद करना। जैसे पेमेंट कटा आप पैनिक मत करो, मिल जाएगा आपका पैसा भाई, गूगल अच्छा कंपनी है वो दे देता है, बड़े बड़े अमाउंट भी रिफंड हो जाता है। तो ये मैं प्रोसेस आपको दिखा दिया क्योंकि आपको अचानक से समझ नहीं आता क्या करना, कहाँ भागना, कौन सा वीडियो देखना है, तो ये वीडियो आप देख लेना, सजेस्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड को। और ये चीज़ केवल बोल सकते हो बीजामा के अंदर नहीं है, अगर आप कोई भी गेम या कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले का आप कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हो या बोल सकते हो आप कुछ पेमेंट करते हो जिसमें इन गेम करेंसी आप लेते हो, तो उस टाइम आप ये वाला प्रोसेस को अपना सकते। ये काइंड ऑफ गेमिंग वीडियो भी था, टेक्निकल वीडियो भी था, जो कि आप कोई भी जगह कभी भी कोई भी ऐप के साथ कर सकते हो। ठीक है, गूगल टीम से कॉन्टैक्ट करने के लिए। होपफुली ये जो वीडियो होने वाला काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो चलो इतना रखते हैं वीडियो का, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।